हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस के बारे में। रियल एनालिसिस के कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक बार फास्टली रिवाइज कराया तो सबसे पहले वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि ये हमारे पास कोई भी सबसेट है नेचुरल नंबर्स का जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो सबसेट के पास कोई भी हमारे पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ये कहते हैं हमारे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन कहती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्सियम ऑफ चॉइस में क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जो होता है वो नॉट इक्वल टू फाइव होता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, अपर बाउंड लोअर बाउंड सुप्रीमम मिनिमम, ये सब डेफिनेशंस होती हैं रियल एनालिसिस में, बेसिक डेफिनेशंस। फोर्थ पॉइंट एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस, ये क्या कहता है कि ये कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का जो कि नॉन एम्प्टी है, अगर ये बाउंडेड अबव है तो उसके पास हमारे पास सुप्रीमम मिल जाएगा, ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है वन रेडियन इज इक्वल्स टू इज सिमिलर टू 57 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सिक्स पॉइंट है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। इसमें ये कहता है कि अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं इनफाइनाइटली क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल्स का तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आता है, ठीक है। उसके बाद है सेम कार्डिनलिटी। सेम कार्डिनलिटी मीन्स अगर किसी किसी इंटरवल के अंदर वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाए हमें तो उसकी सेम कार्डिनलिटी हो जाती है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो एल एफ नॉट होती है, तो इन दोनों के बीच में हम वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एट्थ पॉइंट, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ अ काउंटेबल सबसेट, ठीक है। किसी भी इनफाइनाइट सेट के पास हमें काउंटेबल सबसेट मिल जाएगा। उसके बाद आता है एक बारबर पैराडॉक्स। ये एक्चुअली डेफिनेशन में एक क्वेश्चन में यूज़ होता है, जिसके अंदर हमारे पास वन वन फंक्शन तो बन जाता है लेकिन जो डोमेन होता है इसका ए होता है और जो कोडोमेन होता है वो पावर सेट ऑफ ए होता है, तो पावर सेट ऑफ ए से ए तक कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलता, तो वही हमारे पास कहते हैं बार बार पैराडॉक्स। उसके बाद आती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हमारी क्या होती है, जितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ठीक है, इसका जीरो जीरो एलिमेंट हो सकते हैं, वन टू, फिर स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट काउंटेबल सेट कौन सा होता है, एल एफ नॉट। उसके बाद आर एल एफ नॉट की पावर आर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, टू की पावर एल एफ नॉट, ये सबसे छोटा अनकाउंटेबल सेट होता है। उसके बाद हमारे पास ये आगे बढ़ते बढ़ते सी सी की पावर आर आर इंटू सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर अनकाउंटेबली मैनी, ये अनकाउंटेबली मैनी होते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर्स उसके इनफाइनाइट सेट जो सबसेट जो होंगे वो अनकाउंटेबली मैनी हो सकते हैं। उसके बाद है अलजेब्रिक नंबर्स की कार्डिनलिटी जो होती है वो एल एफ नॉट होती है। इरेशनल नंबर्स की सॉरी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स की कार्डिनलिटी जो होती है वो सी होती है। इरेशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी सी होती है, और ये आर ओवर क्यू की कार्डिनलिटी भी जो होती है वो सी होती है। इसको हम हेमल बेसिस से प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास फ्रीक्वेंट एंट्री अगर किसी पॉइंट की हो सेट के अंदर तो वो हो जाता है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अगर इवेंचुअल एंट्री है तो वो हमारे पास हो जाती है लिमिट। मींस इवेंचुअल एंट्री मींस एक पॉइंट अगर एक बार आ गया तो हमेशा उसी के अंदर बार बार आता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर फ्रीक्वेंट एंट्री के अंदर क्या होता है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मीन्स वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन, ये फ्रीक्वेंट एंट्री है। तो लिमिट पॉइंट कौन कौन से हो गए इसके, वन माइनस वन। लेकिन इसके अंदर अगर इवेंचुअल एंट्री में देखें तो अगर हम 1/n का एग्जांपल ले लें तो इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर लिमिट थ्योरम। ऑर्डर लिमिट थ्योरम क्या होती है, अगर ए जो वो लेस देन और इक्वल्स टू बी हो, उसके बाद हमारे पास लिमिट ऑफ ए जो वो लेस देन और इक्वल्स टू बी हो जाए तो वो हो जाती है ऑर्डर लिमिट थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एलजेब्रिक लिमिट थ्योरम। एलजेब्रिक लिमिट थ्योरम में क्या कहता है कि लिमिट ऑफ ए एन, उसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इनटू बी एन, वो इक्वल टू होता है ए
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बी। लेकिन इसके अंदर डिवीजन में एक कंडीशन होती है कि जो बी होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तब हमारी अलजेब्रिक लिमिट थ्योरम अप्लाई हो जाती है। उसके बाद आता है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज़ बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। उसके बाद है ये कुछ लिमिट के दो लिमिट हैं, ये बहुत यूज़ होती हैं जनरली, लिमिट ऑफ एन की पावर वन बाई एन एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये वन की तरफ चला जाता है। एक और है ये एन फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन, और ये इन्फिनिटी को टेंड करते हैं जब एन को हम, तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ये एक्चुअली स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन होता है, वो क्या कहता है कि एन फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन जो होता है वो एन अपॉन ई के सिमिलर हो जाता है, और जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे इसके अंदर तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास लिमिट एज अ सम की डेफिनेशन। ये बेसिकली क्या कहती है कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है और अगर इस फॉर्मेट में हम इसको बना लें, किसी भी सम को बना लें, तो वो हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, सम जो होता है वो निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ लिख रखी है, वन अपॉन एन समेशन ऑफ एफ ऑफ आर बाई एन, और आर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फाई ऑफ एन से लेकर साई ऑफ एन तक, ठीक है, तो वो इक्वल टू हो जाता है लिमिट ऑफ फाई ऑफ एन बाई एन टू लिमिट ऑफ साई एन बाई एन, और अंदर आ जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तीन पॉइंट है, अ सीक्वेंस विद नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, कि सीक्वेंस के पास अगर कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ना हो तो वो अनबाउंडेड हो जाती है, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी, एवरी सीक्वेंस इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट इज बाउंडेड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वन की पावर इन्फिनिटी केस का, अगर हमारे पास बन जाता है लिमिट के अंदर तो हम फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर हमारे पास दे रखा है और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक, एक्स टेंड्स टू जीरो या कुछ भी इन्फिनिटी दिया हुआ है लेकिन वन की पावर इन्फिनिटी केस बन रहा है, तो हम क्या करते हैं ई की पावर लिमिट लगा देते हैं एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, उससे हमारा सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम ईजीली, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ है, ये बेसिकली डेफिनेशन है कि वी एप्सिलॉन अल्फा इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस अल्फा, ये नॉट इक्वल नॉट एम नॉन एम्प्टी आना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद क्यू जो है वो नॉट कम्प्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ टेस्ट, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, उसके बाद वन अपॉन एन सीरीज वन अपॉन एन की पावर लैम्डा, ये टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट के कहते हैं समेशन ऑफ सीरीज ए एन निकालनी है हमें, ठीक है, ए एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसके बाद समेशन ए एन कन्वर्जेस कब करेगा, इफ एंड ओनली समेशन ऑफ टू की पावर एन ए टू की पावर एन कन्वर्ज करे, ठीक है, इस फॉर्म में अगर हम कर देते हैं कन्वर्ज तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है सीरीज। उसके बाद वन अपॉन एन की पावर लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन वन पर तो कन्वर्ज करेगा लेकिन लैम्डा लेस देन और इक्वल्स टू वन पर डाइवर्ज कर जाएगा। उसके बाद ये क्या है कि कोशी सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है, कन्वर्जेंट कोशी होती है और कोशी भी कन्वर्जेंट होती है लेकिन वो सिर्फ रियल नंबर के केस में, ठीक है, मीट्रिक स्पेस में ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। अब मीट्रिक स्पेस जो हो वो कम्प्लीट स्पेस कब होता है, जब कोशी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है, तब वो होता है कम्प्लीट स्पेस। अब ये ए टर्म ए एस ये पीक ऑफ द सीक्वेंस कब होती है, जब ए एस जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एन ओ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस, ठीक है। उसके बाद इफ़ ए समेशन ऑफ ये टेस्ट है, हमारे पास चार टेस्ट हैं, ये हमारे पास बहुत अच्छे और इजी टेस्ट होते हैं, इनसे मोस्टली सारी सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता चल जाती है। वो क्या है कि
अगर हमारे पास दो सीरीज हैं ए एन और बी एन, तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, ए एन लेस देन और इक्वल्स टू बी एन अगर इवेंचुअली है दोनों सीक्वेंस, तो अगर बी एन कन्वर्जेंट करेगी कन्वर्जेंट होगी तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ए एन डाइवर्जेंट होगी तो बी एन डाइवर्जेंट होगी सीरीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफ़ ए एन एंड बी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, लिमिट ए एन अपॉन बी एन जो है वो एल के इक्वल है, और एल जो है वो ना तो जीरो है ना इनफाइनाइट है, तो ए एन और बी एन का जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा, मीन्स ए अगर ए एन कन्वर्ज करेगी तो बी एन कन्वर्ज करेगी, ए एन डाइवर्ज करेगी तो बी एन डाइवर्ज करेगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अगर सीरीज़ ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और लिमिट ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन जो है वो एल के इक्वल है, अगर एल जो है लिमिट जो आई है हमारे पास वो ग्रेटर देन वन है तो वो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट होगी, इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल और इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास कॉची एनथ रूट टेस्ट, कॉची एनथ रूट टेस्ट क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और ए एन की पावर वन बाई एन एल के इक्वल है तो, और एल जो है वो लेस देन वन पे कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्ज करेगी और वन पर टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना बहुत है, आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके वेलकम, बाय, थैंक यू।